हेलो, हाँ सर, बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। आप ये बताइए, एक्सपीरियंस वाले हैं या फिर फ्रेशर हैं? सर मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, कहाँ काम किए हैं इससे पहले? अच्छा इससे पहले हम अभी तो हरियाणा है। अच्छा ओके। अच्छा ये बताइए, परमिट टू वर्क क्या होता है? PTW? अच्छा परमिट टू वर्क ए परमिट टू वर्क इज ए रिटन रिकॉर्ड ओके इशू बाय ऑथराइज्ड पर्सन प्रमोटिंग ए स्पेसिफिक टास्क फ्यू फॉर ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम एंड डिफाइंड एरिया इज कॉल्ड परमिट टू वर्क। अच्छा, ये बताइए परमिट टू वर्क कितने प्रकार का होता है, पता है? यस सर, मालूम है। परमिट बताइए। अच्छा, टू वर्क 3 प्रकार का होता है सर। पहला कौन कौन? अच्छा हॉट वर्क परमिट होता है, जो अच्छा रेड कलर का, जो इंडिकेट रेड कलर से इंडिकेट किया जाता है। इसका कलर कोड होता है। यस सर, कलर कोड रेड होता है। और एक कोल्ड वर्क परमिट होता है जिसका कलर कोड ब्लू होता है। ओके और एक हाई रिस्क परमिट होता है जिसका कलर कोड ऑरेंज होता है। ओके, दैट्स गुड। अच्छा ये बताइए, हैजर्ड क्या होता है? हैजर्ड इज एनीथिंग दैट कैन कॉज पोटेंशियल टू हार्म। अच्छा, फॉर कुछ एग्जांपल दे सकते एग्जांपल, हैं? अच्छा लाउड लाउड नॉइज इज ए हैजर्ड दैट कैन कॉज हियरिंग लॉस। अच्छा हैजर्ड और कुछ एग्जांपल हैजर्ड का बता सकते हैं? यस सर, बता सकते हैं। हैजर्ड बोलिए। बाइक, मेरे लिए हैजर्ड है अगर हम बाइक चला रहे हैं और अचानक मेरे आगे कुछ आ गया, या बाइक का ब्रेक ब्रेक फेल हो गया, ये भी एक हैजर्ड है। अच्छा, आपके साइट पे क्या क्या हैजर्ड हो सकते हैं? मेरे साइड में सर स्लिप ट्रिप हो सकती, स्लिप ट्रिप का हैजर्ड हो सकते हैं, और फॉल फॉल का हैजर्ड हो सकता है, नियर मिसेज हो सकते हैं। अच्छा, ये हजार्ड और रिस्क में क्या डिफरेंस है? कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड एंड कंसिक्वेंस, ये ओके लाइकलीहुड एंड कंसिक्वेंस का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा हैजर्ड इज एनीथिंग दैट कैन कॉज पोटेंशियल टू हार्म। हैजर्ड अच्छा कुछ भी हो सकता है जो हमको नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे आप ही हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या मेरे पास मेरा पेन ही उसको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय लिंक खराब होगा, तो उस समय एक तरह से हैजर्ड ही फीलिंग होगा। ओके लीड गिर जाए उस समय भी हैजर्ड फीलिंग होगा। ओके। अच्छा ये बताइए, कुछ एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जिससे हजार्ड और रिस्क दोनों कंप्लीट हो जाए। हैजर्ड एंड रिस्क, जैसे सर इन्वेंट इज ए रिस्क दैट अच्छा इज मे कॉज हार्म, बट लेवल इज रिस्क डिपेंड ऑन द सरकमस्टांस। ओके ओके, चलिए ठीक है, कोई इन्वेंट बात एक तरह से हैजर्ड है, और नहीं। ये अचीवमेंट जो है ये नहीं और मालूम चलता है कि ये कितना लाइकली कि हमको नुकसान पहुंचाता है और कितना कंसिक्वेंस। ओके अच्छा, ये बताइए आपका अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में क्या डिफरेंस है? एनी अनडिजायर्ड बिहेवियर, अच्छा एनी एक्शन बाई लेबर वर्कर या एम्प्लॉई ओके विच कैन लीड टू एक्सीडेंट विच कॉल अनसेफ एक्ट। एंड ओके अनसेफ कंडीशन ए कंडीशन और सिचुएशन एट द वर्क प्लेस विच में लीड टू एक्सीडेंट। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ दिस हैजर्ड इंक्लूड malfunction of tools, equipment, or failure of use necessary PPE like mask, goggles, helmet. अच्छा, अनसेफ अनसेफ कंडीशन का कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? यस सर, अनसेफ कंडीशन का एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, जैसे
अनगार्डेड इक्विपमेंट, हम बिना गार्ड के इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं है, इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन है, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पे अनसेफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन का है जो अनसेफ डिजाइन में है, वहाँ पे डिफेक्टिव मटेरियल यूज हो रहे हैं, ये सब अनसेफ कंडीशन है। ओके अच्छा, ये कन्फाइंड स्पेस का कुछ काम करवाए हैं? अच्छा, कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हैजर्ड हो सकते हैं? कंफाइंड स्पेस में सर पहले फर्स्ट फ्लोर पर कभी टॉक्सिक गैस रिलीज होने का चांसेस हो सकता है, उसके बाद फायर का भी चांसेस हो सकता है, वहाँ पे पुअर वेंटिलेशन भी होता है कंफाइंड स्पेस में, और पुअर इल्यूमिनेशन भी होता है, ऑक्सीजन का डिफिशिएंसी होता है, और वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, वहाँ पे सफोकेशन यानी घुटन महसूस होने लगती है। अच्छा, ये बताइए अगर कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो किस तरह के वहाँ पे रिस्क होते हैं? अगर कन्फाइंड स्पेस में अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो हम लोगों को थोड़ा चक्कर आने लगता है, और उसके बाद हम लोग घुटन महसूस होने लगती है। अच्छा, ये बताइए स्पेस में लगभग 90.5 से लेकर 23.5 तक ऑक्सीजन लेवल अवेलेबल होना चाहिए, तभी वहाँ पे हम कंफाइंड स्पेस में काम कर सकते हैं। ओके ओके दैट्स गुड। ओके अच्छा, ये बताइए इसका फोल्डिंग क्या होता है? इसका फोल्डिंग इट इज ए टेम्पोररी वर्किंग प्लेटफॉर्म, इट प्रोवाइड सपोर्टेड बोथ मैन एंड मटेरियल वर्किंग फॉर वर्किंग एट हाइट, इट्स कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। अच्छा, ये बताइए जेएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? जेएसए का फुल फॉर्म जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता है। अच्छा, और हीरा का फुल फॉर्म? हैजर्ड आइडेंटिफाई रिस्क असेसमेंट। अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है, आपको फिर इन्फॉर्म करेंगे। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू बात करने के लिए।